हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरविंद और आपका अरविंद टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एयरटेल मित्रा ऐप से आप अगर बैंकिंग यूज करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक से आप बैलेंस इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं आधार कार्ड से और पैसे कैसे निकाल सकते हैं। मैं लॉगिन करके आपको दिखलाता हूँ। फर्स्ट में लापू नंबर दर्ज कर लिया, अब नीचे पासवर्ड दर्ज कर लेता हूँ। पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। एड्स को आधार इनेबल पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गया है बैलेंस इंक्वायरी। तीसरे नंबर बैलेंस इंक्वायरी के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूँगा। आप देख सकते हैं सबसे ऊपर कस्टमर का मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। मैं दर्ज कर देता हूँ। नीचे कस्टमर का आधार कार्ड नंबर को दर्ज कर दीजिए। मैं सिंपली आधार कार्ड के नंबर को दर्ज कर लेता हूँ। आप जिस भी व्यक्ति का बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं नीचे बैंक सेलेक्ट कर प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। चेकबुक को टिक करेंगे, फिंगर को स्कैन कर लेंगे। एम पिन डाल के सबमिट कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों ट्रांजैक्शन फील्ड बता रहा है, एडिशनल मैसेज को आप चेक कर लीजिए। ट्रांजैक्शन डिटेल्स में कस्टमर बैंक अकाउंट नॉट लिंकड विद आधार, इस अकाउंट नंबर में आधार कार्ड लिंक नहीं है। मैं दूसरे बैंक का चेक कर लेता हूँ। फिर से आधार इनेबल पेमेंट पे सिस्टम पे क्लिक कर दूंगा। फिर बैलेंस इंक्वायरी पे फिर से मैं क्लिक कर दूंगा। ऊपर कस्टमर का मोबाइल नंबर दर्ज कर लेंगे, नीचे आधार कार्ड नंबर दर्ज कर लेता हूँ। नीचे जिस भी बैंक का हम चेक करना चाहते हैं उस बैंक को हम सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोसीड चेक बॉक्स पर टिक, फिंगर को हम स्कैन कर लेंगे। एम पिन डाल के सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। ये देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बता रहा है। आप देख सकते हैं नीचे ट्रांजैक्शन डिटेल्स में अवेलेबल बैलेंस 551 रुपीस हैं। अगर इसी कस्टमर का कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो सेम कस्टमर कैश विड्रॉल पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देंगे। मैं किसी और बैंक का आपको कैश निकाल के दिखलाऊंगा। मैं किसी और बैंक को चूज़ कर लेता हूँ या यहाँ पर सर्च कर लूँगा। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर अमाउंट मैं 100 रुपये आपको चेक करने के लिए दिखलाऊंगा। प्रोसीड पर क्लिक करूँगा, चेक बॉक्स को टिक और अपने फिंगर को बायोमेट्रिक में स्कैन कर लूँगा। ये देखिए आप यहाँ पर अपना एम पिन डाल के सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल बता रहा है, कैश विड्रॉल 100 रुपीज़ का कैश विड्रॉल हो चुका है। आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स में सबसे नीचे देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस 65 रुपीज़, यानी कि खाते में सिर्फ 65 रुपीज़ बचे हैं। अगर इसी प्रकार से आप अपने खाते का बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉल कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।